नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और करते हैं खास खबरों की ओर। झारखंड के डीसी मरीज बनकर सरकारी डॉक्टर को फोन करने के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल डीसी साहब के संघर्ष को जानना भी बेहद जरूरी है। डीसी रमेश घोलप का चूड़िया बेचने से लेकर आईएएस बनने तक का सफर बेहद ही प्रेरणादायक है। आज हम जिस सफल पर्सनालिटी की यहां बात कर रहे हैं, उनका जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से बरसी तालुका के महागांव में हुआ है। गांव में रमेश घोलप को रामू नाम से भी जाना जाता है। रमेश घोलप के पिता गोरख घोलप साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे। चार सदस्यों के इस परिवार का पालन पोषण बड़ी ही मुश्किल से चलता था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उनके पिता की तबीयत खराब हो गई और व्यापार में काफी नुकसान होने लगा। इसके बाद रमेश घोलप की माँ विमल घोलप ने नजदीकी गांव में जाकर चूड़िया बेचना शुरू कर दी। इस दरमियान रमेश घोलप के बाएं पैर को पोलियो ने निगल लिया। रमेश और उनके भाई अपनी मां के साथ चूड़िया बेचने जाया करते थे। महागांव में सिर्फ एक प्राथमिक स्कूल था। बाद में रमेश घोलप आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के साथ बरसी चले गए। पढ़ाई के प्रति उनकी मेहनत ने स्कूल में उनके शिक्षकों का प्रिय बना दिया। साल 2005 में जब वो 12वीं क्लास की परीक्षा दे रहे थे, उसी समय उन्हें उनके पिता के निधन की खबर मिली थी। बाद में रमेश घोलप ने इस परीक्षा में 88.5% अंक हासिल किए थे। रमेश घोलप ने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया ताकि वो शिक्षक बनकर परिवार की आर्थिक मदद कर सके। उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से आर्ट विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली। साल 2009 में वो बतौर शिक्षक का काम करने लगे। शिक्षक के तौर पर काम करने के दौरान रमेश घोलप को ऐसा लगा कि वो अपनी जिंदगी में इससे बेहतर कर सकते हैं। एक साक्षात्कार में रमेश घोलप ने कहा था कि जब 2010 में हम लोगों के पास रहने के लिए खुद का घर नहीं था, तब मैंने टीचर की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया। उस समय भी माँ मेरे निर्णय के पीछे खड़ी रही। हम लोगों का संघर्ष और कुछ दिन शुरू रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो सपना है उसके लिए तू पढ़ाई कर। ये कहकर मेरे ऊपर विश्वास दिखाने वाली मेरी माँ पढ़ाई के दिनों में सबसे बड़ी प्रेरणा थी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दिनों में जब भी पढ़ाई से ध्यान विचलित होता था, तब मुझे दूसरों के खेत में जाकर मजदूरी करने वाली मेरी माँ याद आती थी। साल 2012 में रमेश घोलप ने यूपीएससी की परीक्षा में 287वीं रैंक हासिल की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।